बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम लोग ये एट क्लास का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो पहले क्या करो, इसको ध्यान से पढ़ो और पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में सोचो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है, 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन अ कवर प्लेस। कवर प्लेस में कितना स्पेक्टेटर है, 2/7। सपोज कर लो ये तुम्हारा क्रिकेट एक ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट ये ग्राउंड है और मान लो ये स्पेस जो है तुम्हारा, सपोज कर लो क्या है, कवर्ड प्लेस है। पहले क्वेश्चन समझो, ये कवर स्पेस है, कवर्ड प्लेस है और इसको मान ली ओपन प्लेस, इसको मान लो क्या, ओपन प्लेस, इसको क्या मान लो, कवर्ड प्लेस, और इसको क्या मान लो, ओपन प्लेस। ये क्रिकेट एक ग्राउंड है, इसको क्या बोलेंगे, कवर्ड प्लेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ओपन प्लेस बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पे चलो, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन कवर्ड प्लेस व्हाइल 15,000 वेयर इन ओपन प्लेस। ओपन प्लेस में कितना स्पेक्टेटर है, ये दे दिया है, कितना है, 15,000। क्या बोला है, 15,000। ठीक है, क्या बोला है, 15,000 ये हमको दे दिया है, लेकिन ये क्या दिया है, 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर। लेकिन हमको पता है क्या टोटल स्पेक्टेटर क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी एक्स। क्या मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां, तो मैच तो 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन कवर्ड प्लेस। इसका क्या मतलब है सर, कि 2/7 मतलब टोटल स्पेक्टेटर का 2/7 किस प्लेस में है, कवर्ड प्लेस में है। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन कवर्ड प्लेस इक्वल टू कितना है, 2/7 इंटू एक्स, इट मीन्स हाउ मच, 2x by 7। यस या नो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर इन कवर्ड प्लेस, कवर्ड प्लेस में कितना है, 2/7 ऑफ टोटल स्पेक्टेटर। तो हमने टोटल स्पेक्टेटर को क्या मान लिया, x मान लिया, इट मींस कि यहां से पता चल गया कि सर इस प्लेस में 2x/7 क्या है, स्पेक्टेटर इस प्लेस में है। ठीक है, और ओपन प्लेस में इतना है, तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो टोटल स्पेक्टेटर आ जाएगा, और टोटल स्पेक्टेटर को मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 2x/7 प्लस 15,000 इक्वल टू एक्स। क्यों सर, क्योंकि ये और ये मिला के ही ना टोटल स्पेक्टेटर होगा, ये हमको पता है 2x+7 और ये 15,000 है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल स्पेक्टेटर आ जाएगा। तो ये टोटल स्पेक्टेटर है और हमने टोटल स्पेक्टेटर को क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, तो यहां से अब सॉल्व करो, x को इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा, 2x/7 माइनस x और 15,000 को उधर ले जाओ, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15,000 ये हो जाएगा 2x-7x/7 इक्वल टू माइनस 15,000, इट मीन्स कि माइनस 5x इक्वल टू माइनस 15,000 इंटू 7। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, x इक्वल टू माइनस 15,000 इंटू 7 बाय माइनस 5, यानी माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15, यानी x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 7 × 3 = 21,000। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, यहां पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर, तो यहां से लिख लो टोटल नंबर ऑफ
स्पेक्टेटर कितना हो जाएगा बोलो, 21,000, क्योंकि मैंने इसी को ना टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर को हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। इस तरह का तुमको या तुम्हारे किसी भी दोस्त को, तुम्हारे स्कूल का दोस्त हो या कोई भी दोस्त, अगर उसको भी डाउट आ रहा है तो उसको भी बताओ, ठीक है। बताओ कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले, या किसी टॉपिक में डाउट हो तो क्या करो, मैसेज करो। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।